हिमाचल के कांगड़ा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड पोंग झील एक बार फिर से प्रवासी पक्षियों से गुलजार हो गई है। इन प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए अब पर्यटक भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। अब तक पोंग झील में करीब 45,000 प्रवासी पक्षी अलग अलग प्रजातियों के पहुंच चुके हैं और इनके आने की तादाद लगातार बढ़ रही है। दिसंबर और जनवरी महीने में इन पक्षियों की संख्या लाखों में हो जाएगी। इन प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए भारी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक यहां आते हैं। इस बार अब तक रूडी शेल डक, गल तथा बार हेडेड गीज नाम के प्रवासी पक्षी पहुंचे हुए हैं। विभाग द्वारा इन पक्षियों की सुरक्षा के लिए अलग अलग टीमें बनाकर सुरक्षा का जिम्मा सौंपा हुआ है। इन प्रवासी पक्षियों का यदि कोई व्यक्ति शिकार करता पकड़ा गया तो विभाग द्वारा उसे जुर्माने के साथ कैद का भी प्रावधान है। पिछले वर्ष झील में 114 प्रजातियों के करीब 1,15,000 प्रवासी पक्षी पहुंचे थे तथा इस बार विभाग का मानना है कि इनकी प्रजातियां तथा संख्या में काफी वृद्धि हो सकती है। पर्यटक मोटर बोट तथा अपनी निजी गाड़ियों में पोंग झील में पहुंचकर इन प्रवासी पक्षियों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। विभाग द्वारा हर सैलानी के आने जाने की रजिस्ट्रेशन की जा रही है और कोविड के SOP नियमों की पूरी पालना हो रही है। कांगड़ा से दौलत चौहान की रिपोर्ट। हम जो है वो विंटर्स में माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन है और मेरे ख्याल से तो कांगड़ा जिला के लिए एक बहुत बड़ा गौरव है हमारे लिए। तो ये जो वेटलैंड है इसमें ट्रांस अटलांटिक कंट्री से, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ गिरती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे पक्षी आने शुरू हो चुके हुए हैं और हर साल आते हैं। और उसके अलावा पोंग डैम के आसपास भी जितने भी वाटर के स्टोरेज एरियाज़ हैं, नेचुरल बेसिन्स हैं, वहाँ पर भी जो है वो वाटर बर्ड्स देखने में आते हैं। स्पेसिफिकली अगर पोंग डैम की बात करूं तो हिसाब से एज ऑन टुडे लगभग 45,000 के आसपास डिफरेंट वेराइटीज़ के बर्ड्स आ चुके हैं, जिसमें कॉमन टील, नॉर्दर्न पिनटेल, डार्टर, नॉर्दर्न शॉवलर, कॉमन कूट, ब्राउन हेडेड गल, ब्लैक हेडेड गल वगैरह वगैरह हैं, बैकटेल्स भी हैं। और जो मैक्सिमम नंबर में आए हैं और जो हर साल मैक्सिमम नंबर में आते हैं वो हैं बार हेडेड गूस। तो एक तो ये है, दूसरा कुछ रेजिडेंट बर्ड्स भी हैं जो पानी के आसपास रहते हैं, वो हैं ही हैं, जैसे कॉर्मोरेंट्स हैं, पिपिट्स हैं, सैंड पाइपर्स वगैरह हैं, वो भी वहाँ काफ़ी हैं। तो इस समय जो वाइल्ड लाइफ विंग है, DFO वाइल्ड लाइफ हमीरपुर के जितना भी स्टाफ है, नेक्रोटा सूर्या का है, शायद हमेटा का है, वो टीम वर्क के रूप में वहाँ पे गश्त कर रहा है और पूरे एरिया को बोट के द्वारा भी चप्पा चप्पा छान रहे हैं ताकि कहीं भी किसी का अवैध शिकार ना हो पक्षियों का। और उसके अलावा काउंटिंग भी वो ग्रुप्स में जाके कर रहे हैं स्पेसिफिक टाइम पे। तो हमारी पूरी वाइल्ड लाइफ टीम जो है वो कोशिश कर रही है कि जो प्रवासी पक्षी हैं उनका कोई भी अवैध शिकार ना हो, और अगर ऐसा होता है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके तहत जो है नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.